एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से आ रही। इस वक्त हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक बड़ी राहत दी है। शूटर गिरधारी एनकाउंटर मामले में बड़ी राहत मिली है। पुलिस टीम पर हत्या का केस दर्ज करने का आदेश दिया था। जस्टिस डीके सिंह ने इस पर स्टे ऑर्डर दिया है। तो शूटर गिरधारी एनकाउंटर मामले में एक बड़ी राहत आपको बता दें, बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त की। और इसी मामले में जस्टिस डीके सिंह ने जो स्टे ऑर्डर है वो अब दिया है। तो लखनऊ खंडपीठ ने हाईकोर्ट की ये एक बड़ी राहत दी है। शूटर गिरधारी एनकाउंटर मामले में ये बड़ी राहत, क्योंकि पुलिस पर हत्या का केस दर्ज कराने का दरअसल जो आदेश दिया था उस पर जस्टिस डीके सिंह ने ऑर्डर दिया है। तो हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्टे ऑर्डर दिया है। आशीष हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं लखनऊ से। आशीष, और क्या ज्यादा जानकारी इस खबर के बारे में? उसके बाद हाईकोर्ट ने आज राहत दिया है और डबल एजी विनोद शाही ने सरकार का पक्ष था, जिसके बाद से जो आईपीएस संजीव सुमन और जो पुलिसकर्मी थे उस पर एफआईआर रोक लगा दी गई। दरअसल पूरा मामला यह है कि अजीत हत्या कांड के जो आरोपी था विश्वकर्मा और डॉक्टर, वो पुलिस कस्टडी के दौरान उसकी एनकाउंटर के दौरान मौत हो गई थी, जिसके अगेंस्ट में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। और उसी को लेकर राष्ट्र सरकार था उसका जो पक्ष रखे ये विनोद शाही जी। तो विनोद शाही ने जब पक्ष रखा कि भाई इस तरह से पूरा मामला घटित रही है और जो एक अपराधी था वो फरार हो रहा, उसको गोली मारी गई, तो उसके बाद से जो कोर्ट ने ये कहा है कि ठीक है, एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होना चाहिए, आपका पक्ष सुनने के बाद से जो उन पर एफआईआर थी, हत्या के एफआईआर थी, उसको हटा लिया गया है। चलिए, बहुत धन्यवाद आशीष तमाम जानकारी के लिए। और बंगाल के मालदा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली की है, जहां पर उन्होंने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। योगी ने आरोप लगाया कि बंगाल में जय श्री राम के नारे बोलने से भी रोका जाता है। साथ ही कहा कि एक महीने में बंगाल की धरती पर परिवर्तन दिखाई देगा। बंगाल में एक बुजुर्ग माता को टीएमसी के गुंडों ने पीटा है, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। योगी ने कहा कि 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडे जान की भीख मांगेंगे और गली में तख्ती लटकाकर माफी मांगेंगे। कभी भारत को नेतृत्व देने वाला बंगाल आज बदहाल है। बंगाल में सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद देश की सुरक्षा को कड़ी चुनौती दे रहा है। बंगाल में शक्ति की पूजा हो, लेकिन यहाँ पर दुर्गा पूजा पर पाबंदी लगा दी जाती है। ईद पर जबरदस्ती गौ हत्याएं करवाई जाती हैं। गौ तस्करी से भावनाओं को नुकसान पहुंचाया जाता है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल में जय श्री राम के नारे लगाने से रोका भी जाता है। अयोध्या में भी एक सरकार ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी, उसका हश्र सभी ने देखा है। जो भी राम का द्रोही है उनका बंगाल में कोई काम नहीं है। प्रत्येक बंगाली भाई और बहनों के साथ जुड़ने के लिए आया है कि हमें एक बार फिर से बंगाल की पहचान को पुनर्स्थापित करके बंगाल के माध्यम से एक नए परिवर्तन को आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, बंगाल हमेशा से परिवर्तन की धरती रही है। याद करिए, जब देश के अंदर स्वाधीनता की अलग जगानी थी तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसी धरती से वंदे मातरम का उद्घोष किया था। आनंद मठ उपन्यास के माध्यम से उन्होंने भारत की सुप्त चेतना को जागृत करके पूरे देश के अंदर राष्ट्रीयता का जो संचार किया था, आज भी हर भारतीय अपने राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को मान करके भारत के स्वाभिमान और सम्मान का अलग देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। बंगाल कहां चला गया है? कभी भारत को नेतृत्व देने वाला, भारत को एक नई दिशा देने वाला बंगाल आज कहां पर है? आज यहां पर
गरीबी है, आज यहां पर बदहाली है, आज यहां पर अराजकता है, आज यहां पर सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद केवल यहां की सुरक्षा के सामने गंभीर संकट खड़ा कर रहा है, बल्कि देश की सुरक्षा को भी चुनौती देते हुए दिखाई देता है। भाइयों बहनों, मालदा भारत की सनातन संस्कृति की भूमि है और भारत की सनातन संस्कृति की इस भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इस परिवर्तन यात्रा में आपके साथ सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। स्वाभाविक रूप से बंगाल भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती रही है, भारत के स्वाधीनता आंदोलन की क्रांति की धरती रही है, लेकिन आज जब बंगाल के अंदर अराजकता और बंगाल के अंदर बदहाली की स्थिति को हम सब देखते हैं तो पूरे देश को पीड़ा होती है। ईद में जबरदस्ती गौहत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं और साथ साथ यहां पर तस्करी और गौ तस्करी के माध्यम से की भावनाओं के साथ खिलवाड़ का कार्य किया जाता है, यहां की सरकार मौन बनी रहती है। भाइयों बहनों, बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को निबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं, लेकिन मैं बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं, मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी, उस सरकार का हर्ष आपने देखा है क्या हो गया है, और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। जो भी राम का द्रोही है, याद रखना, मालदा की धरती से ही मैं इस बात को कह रहा हूं, होली आने वाला है अभी कुछ ही दिनों के बाद, और कभी उस कालखंड में भी कुछ लोगों ने भगवान विष्णु और राम का नाम लेने को प्रतिबंधित किया था। होली के अवसर पर हम लोग क्या कहते हैं उसको? और मित्रों, आज बंगाल के अंदर एक बार फिर से जय श्री राम के नारे को प्रतिबंधित करने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन याद रखना, भारत की जनता राम के बगैर कोई काम नहीं करती है। जब आपस में मिलती है तो राम राम कहती है, घर में कोई काम होता है तो राम नाम का जप करती है, और जब किसी परिजन की अंतिम यात्रा भी निकालती है तो फिर राम नाम सत्य है के साथ ही उस यात्रा को भी आगे बढ़ाने का कार्य करती है। राम के बगैर भारत का कोई काम ही नहीं, और रामद्रोही हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं, ये संकल्प हम सबको लेकर के चलना है। मित्रों, बंगाल के अंदर छल छद्म और धोखे से यहां पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहां की सरकार रोक पा रही है और न ही लव जिहाद की उन घातक गतिविधियों को, जिसका दुष्परिणाम आने वाले समय में बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, वह यहां की सरकार इसको रोकने में पूरी तरह विफल है। और हाथरस मकल एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शख्स ने अपनी बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ का शिकायत 2.5 साल पहले दर्ज कराई थी और बीते दिन इसी बात पर पीड़ित और आरोपी परिवार के लोगों में कहासुनी हुई और आरोपी ने लड़की के पिता की हत्या कर दी।
जिसे लेकर पीड़िता ने बताया है कि बीते दिन जब वो मंदिर गई थी तब भी आरोपियों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। फोन करने पर पुलिसकर्मी धर्मेंद्र दीवान ने कार्रवाई न कराए 112 नंबर पर कॉल करने की सलाह दी, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। दूर उसने खड़ी की है और 4-5 लोग निकले हैं उसमें से और मेरे पापा को फिर गोली मारी है। मैं और मम्मी उस टाइम पे खाना देने गए थे पापा को, तो हमारे सामने ही उसने गोली मारी है पापा को। नहीं यार, धमकी दे रहा था, वो बोल रहा था कि केस वापस ले लो वरना मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धमकी देता था पहले। ये आतंकवादी एक नंबर का आतंकवादी है। ये किसी से संबंध रखता है? सपा। कल इसकी मीटिंग है टप्पल में, आपको जानकारी है? ये मुझे नहीं पता। और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने हाथरस मामले को लेकर योगी सरकार पर जमकर हमला बोला, कहा कि आज प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। पहले भी हाथरस में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। राम राज लाने वाली सरकार के ये हाल हैं। साथ ही सीएम योगी के बंगाल दौरे पर अखिलेश यादव ने चुटकी दी है, कहा कि मुख्यमंत्री जी को मलयालम नहीं आती है और रैली करने गए हैं। इसके अलावा ब्रजेश पाठक के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए तो मुख्यमंत्री क्या है। इसके अलावा कृषि कानून को लेकर कहा कि सरकार ने MSP खत्म कर दी, समाजवादी पार्टी किसान आंदोलन का समर्थन करती है। और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा, विधानसभा के मुकदमे वापस लेने की मामले पर हुए हंगामे पर कानून मंत्री ने कहा कि योगी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में किसानों का कर्ज माफ करने का प्रस्ताव पास किया, जबकि सपा ने पहली कैबिनेट में आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का प्रस्ताव पास किया था। सपा के बेंचेस थे, वहाँ से आवाज़ें आई, वो लोग तो जब 2013 की मुकदमा वापसी की सूची में पढ़ रहा था तो उसमें कई ऐसे मुकदमे थे, मतलब कई क्या मतलब दो दर्जन से अधिक मुकदमे थे जो ऐसी गंभीर धाराओं में थे जो आतंकवादियों पर ही लगती है। उसमें पोटा जैसी गंभीर धाराओं का भी मुकदमे वापस समाजवादी पार्टी की सरकार ने लिए थे। वो जब मैंने पढ़ा तो सदन में सपा के बेंचेस थे, वहाँ से आवाज़ें आईं, वो लोग बेल में आए। और ये दुखद है, मुझे लगता है कि हम लोग जो उत्तर प्रदेश की सरकार में हैं, ये एक सतत प्रक्रिया है, किसी को भी कानून से खिलवाड़ करने की छूट नहीं होना चाहिए। आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने हाथरस की घटना पर अखिलेश यादव के ट्वीट पर पलटवार किया है। राम नरेश अग्निहोत्री ने कहा कि अखिलेश की हताशा है जो उन्होंने ट्वीट किया है। योगी सरकार में कानून व्यवस्था पूरे देश में पहले नंबर पर है। हाथरस मामले में NSA की कार्रवाई कर रहे हैं। एक आरोपी को पकड़ा गया है। कोई किसी जाति का हो, वर्ग का हो, चाहे राजनीतिक संरक्षण का हो, कानून अपना काम करेगा और दोषियों को सजा मिलेगी। मैं अखिलेश जी जो ट्वीट कर रहे हैं उनकी हताशा है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। ये राष्ट्रीय आंकड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है पूरे देश में एक या दूसरे नंबर पर आ रही है। और हाथरस की घटना में कठोर कार्रवाई हमारा प्रशासन और पुलिस। और हाथरस कांड की आहट उन्नाव जिले में भी सामने आई है, जहां बेटी के लापता होने की शिकायत पर पिता को जान से मारने की धमकी मिल रही है। मामला अचलगंज थाना क्षेत्र के बाबूखेड़ा गाँव का है। 21 दिन से संदिग्ध परिस्थिति में लापता बेटी में पिता ने गांव के ही युवक पर बेटी को गायब करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद उसे जान से मारने की मिल रही है। पीड़ित पिता जिले के SP समेत आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।